चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से बड़ी खबर, पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार एक अगस्त से कर रही है अर्न पेंशन एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम। किसी एक माह में एडवांस राशि कुल पेंशन राशि से 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 3 माह की पेंशन राशि से 50% से ज्यादा नहीं होने का नियम है। एडवांस राशि की अगले 3 माह में 3 किश्तों में मासिक वसूली होगी और इस स्कीम के लाभ के लिए देनी होगी ट्रांजेक्शन फीस। वित्त विभाग ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिया है। तो वित्त विभाग का आदेश इस संबंध में पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार की बड़ी राहत कैसे रही ये समझाएंगे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर तुराज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तुराज, क्या पूरी जानकारी, किस तरह से लाभ मिलेगा पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इससे? देखिए, अगर पेंशनर्स को तो अपने पेंशन की पहले तरह की सुविधा है तो 3 महीने बराबर की पेंशन राशि उसका बिल्कुल। और एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे सहयोगी डॉक्टर दुराज से, लेकिन जिस तरह की जानकारी है साफ तौर पर IFMS 3.0 स्कीम पर वित्त विभाग ने आदेश जारी किया है, इस पर ये स्कीम उपलब्ध करवाई जा रही है। वित्त विभाग का आदेश, इस स्कीम के लिए 1 अगस्त से ही अर्न पेंशन एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम उपलब्ध होगी। IFMS 3.0 पर स्कीम उपलब्ध होगी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार की ओर से ये बड़ी राहत। चलिए एक बार फिर से जुड़े हैं डॉक्टर उत्राज हमारे सहयोगी। डॉक्टर उत्राज, क्या जानकारी? और देखिए, जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर हैं वो अब एडवांस पेंशन की राशि ले सकते हैं। कभी आकस्मिक जरूरत होने के चलते एक साथ बड़ी राशि की जरूरत कई बार होती है और पेंशनर्स को यह अपॉर्चुनिटी देखने का अवसर मिलता है कि यदि मेरे उसको एक बार में ये राशि मिल जाए तो वह धीरे धीरे करके इसे चुकारा कर दे। तो इस तरह की जब आकस्मिक परिस्थिति होती है तो उसे लेकर सरकार ने अभी ये कहा है कि 3 महीने तक का जो पेंशन राशि है उसमें 50% तक की राशि वो एक साथ ले सकता है, एडवांस ले सकता है और इस एडवांस राशि का उसको 3 इंस्टॉलमेंट में 3 किस्तों में चुकारा करना होगा, निपटारा करना होगा और बराबर की किस्तें लेकर उससे ये पेंशन राशि का वसूली की जा सकेगी। तो लेकिन ये बहुत बड़ी राहत है। पूर्व में जो मौजूदा सरकारी कर्मचारी उन्हें भी इस तरह की राहत देने की कोशिश की गई थी। इससे फौरी तौर पर राहत मिलेगी और जो पेंशनर्स हैं करीब जो लाखों की संख्या में है करीब, उनको भी बड़ी राहत मिलेगी और फैमिली पेंशनर्स को भी इससे राहत मिलेगी। ठीक है डॉक्टर तुराज, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।